क्या जाने मुझे दिल की बीमारी। वैद आके यहाँ से पकड़ता है तो गोपी कहती है बीमारी यहाँ की नहीं, ये बीमारी यहाँ की, और इसका वैद्य दुनिया में केवल एक है। ये विरह की बीमारी है, इसको वही ठीक कर सकता है। ये प्रेम है, ये भक्ति है, और भक्ति में और दुनिया की चीजों में यही फर्क है। आप भगवान तक पहुंचो, ये मुक्ति है, पर भगवान आप तक पहुंचे ये भक्ति है। और इतिहास देख लीजिए, कोई भी भक्त भगवान के पास नहीं गया, भगवान चल के भक्तों के पास आ गए। प्रहलाद नहीं गए, नरसिंह चल गए। ध्रुव नहीं गए, भगवान आए। मीरा नहीं गई, द्वारिकाधीश आए। हर स्थान पर
सुदामा द्वारिका तक तो गया, लेकिन उसके बाद भगवान खुद अंदर से चल करके, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरा भक्त जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। श्री प्रभु आंख बंद करके बैठे थे वैकुंठ में, नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या कर रहे हो? भगवान बोले, ध्यान कर रहा हूं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले प्रभु दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हो? बोले दुनिया मेरा ध्यान करती है और मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। बिंदु महाराज का पद है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु त्रिगढ़ते देखा। वही यशोदा के डर से अश्रु बहता है। भक्तों के लिए भगवान कोई भी कार्य कर सकते हैं। कुछ पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी। भगवान कृष्ण की क्या प्रतिज्ञा थी? कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन पितामह भीष्म की क्या प्रतिज्ञा थी? अगर इससे अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं। एक तरफ भगवान है और एक तरफ भीष्म है। आज पितामह भीष्म ने महाभारत के युद्ध में आके बाणों की बौछार अर्जुन के ऊपर कर दी, पूरे शरीर में बाण लग गए, अर्जुन का शरीर लहू लुहान हो गया, रथ टूट गया, ध्वजा टूट गई, सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने देख लिया, आज भीष्म अर्जुन को छोड़ने वाले नहीं। देवताओं की लाइन लगी है आकाश में, देखें आज क्या होगा, आज भगवान की प्रतिज्ञा रहती है या भक्त की। सब कुछ खत्म हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन मृत्यु के कगार पर है, अब क्या करे? भगवान क्रोध में रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया पकड़ा और पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। पीतांबर गिर गया, मुकुट गिर गया, सारे आभूषण गिर गए और दौड़ पड़े वो पहिया लेकर के पितामह भीष्म। भीष्म ने जैसे देखा तो चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करे, क्षमा करे। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूट गई, तो भगवान ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा ये नहीं है कि मेरी प्रतिज्ञा रह जाए, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, उसके वचन को रखना ही मेरा वचन है। इसलिए प्रभु भक्तों के अधीन है, भक्तों के जो भक्त कहता है। दुनिया को नचाता वो है, पर उसको नचाने वाली कौन है? ब्रज की गोपिया। वो कहती है, एक कटोरी माखन पे नाचो तो वो भगवान नाचने लगता है, वो कहो गाओ तो गाने लगता है। जो गोपी कहती है उसके इशारे पर ठाकुर जी को नाचना पड़ता है। इसलिए क्या कहा, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, आप
Thank you.